दोस्तों नमस्कार, चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस इंडस्ट्री के जो और ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब लोग हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे हम सब लोग सीख रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका केमिस्ट का काम है, मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो, तो उनका नाम है महेश। तो मैं एक बार उनके पास में गया और मैंने उनसे कहा कि महेश, जो मैंने तुम्हारे से दवाई ली है तो क्या ये दवाई काम करेगी, कुछ फ़ायदा होगा इससे? उसने हंसते हुए कहा कि भाई आपको तो नहीं मालूम ये फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मुझे फ़ायदा ज़रूर करेगी, यानी मुझे आपके ख़रीदने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मुझे नहीं मालूम आप इस एपिसोड से इन सक्सेसफुल लोगों से क्या सीख रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं यूँ कहूँ कि जितना मैंने पिछले 10-12 सालों में सीखा है, तो पिछले 7-8 एपिसोड में मैंने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री में के सफलतम लोगों से मैंने सीख लिया है। और आप भी अगर वैसे ही फोकस रह के करेंगे तो आप भी जो कई सालों में चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे मीटिंग सेमिनार में जाके किताबें पढ़ के सीखते हैं, तो वो सक्सेसफुल लोगों की चीज़ें हम लोग अगले 30-35 मिनट में हम लोग सीख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में जो पर्सनैलिटी हमारे बीच में है वो न केवल मात्र इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हैं, बल्कि वो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत आकर्षक है, बिल्कुल एकदम फिट हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड से यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आए हैं। सो उनसे मैं आपको मिलवाऊँ, रूबरू करवाऊँ, उससे पहले हम उनका एक प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। जैसा कि आपने प्रोफाइल वीडियो में देखा, आज हमारे मेहमान हैं श्री महिपाल सिंह जी। महिपाल जी, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मौका देने के लिए। और मैं बहुत लंबे टाइम से देख रहा था, जनवरी से, कि आपने ये जो चैनल शुरू किया है, मैं बहुत उत्सुक था कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में कब आएगा कि कभी आपके साथ रूबरू बैठने का और बात करने का मौका मिला। आज मैं ये बोलता हूँ कि सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसी महान शख्सियत के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। और मैं सच बताऊँ कि पिछले कुछ टाइम से जब मैं व्यूज़ देखता हूँ और नीचे कमेंट्स देखता हूँ, तो लोग जो कमेंट करते हैं और जो कमेंट करते हैं उनमें एक चीज़ नज़र आती है कि लोग बड़े दिल से कमेंट करते हैं। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री का हर आदमी आभारी रहेगा कि आपने अपना, केवल अपने लिए ना किसी कंपनी के लिए, बल्कि इस इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा कदम उठाया है, जहाँ से इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आने वाली है और हर इंसान के लिए बहुत बड़ा विजन, यानी इस इंडस्ट्री की, हिंदुस्तान की जितनी भी कंपनियां हैं, हर कंपनी को एक मंच पे लाने का आपने प्रयास किया है। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आपकी ये मुहिम रंग लाएगी। थैंक यू वेरी मच।
सर थैंक यू सो मच आप यहाँ पे हैं सर, उसका जो सबसे बड़ा मैं श्रेय देना चाहता हूँ, मैं हमारे व्यूवर्स को देना चाहता हूँ। हमारे व्यूवर्स ने कमेंट में बहुत बार आपके नाम को रिकमेंड किया और आप एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम है, बहुत बड़े अचीवर हैं आप। और जो आपने इंडस्ट्री की बात कही सर, देखिए कोई भी काम अगर किया जाए, कोई बड़ा काम करना है तो वो एक टीम वर्क है, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। हमने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में आप जैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने जिस प्रकार हमारा हौसला बढ़ाया और जिस प्रकार एक बार कॉल करने से आप अपने जितने भी प्रोग्राम शेड्यूल थे उनमें से टाइम मैनेज करके आप लोग आ रहे हैं, हम बहुत आभारी हैं आपके इस प्यार के। और ऐसे वो मदर टेरेसा जी का एक कोटेशन है, यू कैन डू समथिंग आई कैन डू समथिंग वी बोथ कैन चेंज द वर्ल्ड, तो हम सब लोग मिलके हम लोग कर सकते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपको हम लोग, चूँकि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर व्यक्ति के बारे में लोग जानते हैं और स्पेशली जो टॉप अचीवर्स हैं उनके बारे में तो जानते हैं, तो आपकी वीडियो हम लोग देखते हैं, लेकिन आपकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ प्रॉपरली, मैं राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। अच्छा। और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे बारे में बताऊँ तो मैंने हले हमारे गांव में पढ़ाई की, उसके बाद में हमारे नियर वहाँ डिस्ट्रिक्ट सीकर में पढ़ाई की है। जी जी जी। बीए सेकंड ईयर तक पढ़ाई की है। अच्छा। फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, बीए फाइनल करने का मौका नहीं मिला। अच्छा। वैसे मौका मिला, लेकिन हुआ क्या कि बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई करते करते मैं नौकरी लग गया था और सरकारी नौकरी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। और जब सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया तो मैंने इसे सोचा अपने बारे में कि लोग पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि नौकरी लग जाए। नौकरी मिल जाए। जी जी जी। और मैंने बीए फाइनल कंप्लीट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी नौकरी ऑलरेडी लग चुकी थी। इसलिए मुझे लगा कि दोबारा ये पढ़ाई कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। सही है, सही है। तो बीए सेकंड ईयर तक मैंने डिग्री भी ली है और उसके बाद में नौकरी की, हमने आसाम साइड में भी नौकरी की, जम्मू में भी की है। ओके ओके। और इस इंडस्ट्री में जब मैं आया सर, उस टाइम मेरिट के पास में एक जगह है, सॉरी यूपी के अंदर मेरिट के अंदर सर मैं पोस्टिंग आया। राइट। और मैं ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मेरी जो कर्म भूमि है वो मेरिट की धरती है, वहीं से शुरुआत की है। आपने सर बताया कि भाई आपको पढ़ाई करते करते बहुत कम उम्र में नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बावजूद ये सोचना कि भाई डायरेक्ट सेलिंग आना चाहिए, और जैसा मैं रिसर्च कर रहा था कि आपने बाद में अपनी जॉब को रिजाइन भी कर दिया, तो मतलब आज के टाइम में जब लोग नौकरी के लिए कुछ भी कर देते हैं, और नौकरी जो है इतना बड़ा एक हमारे समाज में एक इतनी बड़ी चीज़ है कि भाई नौकरी अच्छी है तो फिर लड़की भी अच्छी मिल जाती है, शादी भी अच्छे घर में हो जाती है, तो ये डिसीजन लेना कि नौकरी छोड़ के मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊँगा, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए और इतना बड़ा कदम आपने लिया? देखिए सुरेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा, आपने एक बात बोली कि नौकरी अच्छी मिलती है तो लड़की भी अच्छी मिल जाती है। सर ये मेरा थोड़ा सौभाग्य रहा कि नौकरी लगने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, मतलब आप बीए पार्ट सेकंड में थे उससे पहले शादी हो गई थी। यस यस। अच्छा। वो मैटर नहीं था कि नौकरी शादी के लिए करनी है। अच्छा। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में जब आया तो मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में अकस्मात होती हैं। हाँ जी। मैं एक चीज बहुत ज्यादा मानता हूँ कि ऊपर वाले को जब भी कोई चीज देनी होती है और अपॉर्चुनिटी जब भी देनी होती है तो वो एक मौका देता है हर आदमी की लाइफ में। बहुत सही है सर। होता क्या है कि कुछ लोग नजरअंदाज करते हैं और कुछ लोग उस मौके को कैश कर लेते हैं। जी सर। मेरे को, मैं आपको बताऊं इस थोड़ा सा वाकया कि इस इंडस्ट्री में हम लोग जब लोगों के पास जाते हैं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी एक चीज जान रहे होंगे कि लोगों के पास बार बार फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, मीटिंग्स के लिए जाते हैं, हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं वो ये भी जान रहे होंगे कि उनका अपलाइन उनको कई बार फॉलोअप करने के लिए आया होगा, कई बार, लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ। अच्छा। मेरे को इस इंडस्ट्री में कोई प्लान देने नहीं आया। अच्छा। फॉलोअप करने नहीं आया। क्या बात है। मैं जहाँ नौकरी कर रहा था, एक दिन मैं शाम दोपहर के टाइम पे खाना खाने जा रहा था, तो हमारे जो ऑफिस बने हुए थे वहाँ ऑफिस के अंदर दो लोगों के बात करने की आवाज आ रही थी। अच्छा। तो मैं बाहर से गुजर रहा था और मैं थोड़ा सा आगे जाके पीछे वापिस गया, तो वापिस गया तो दो लोग बैठे, एक मेरा दोस्त था जो ऑफिस में जॉब करता था और दूसरा कोई बाहर का था जिसको मैं नहीं जानता कौन था। जी जी जी। तो वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छा। जब बातें कर रहे थे तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, मुझे एक बात समझ में आई
वो कुछ लोगों के नाम बता रहा था कि इस काम को करके उस आदमी ने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। वो आदमी गाड़ी लेके घूम रहा है। अच्छा। उस आदमी की लाइफ में इतने करोड़ रुपए कमा लिए। अब जिसको प्लान दिखाने आया उस इंसान ने तो मना कर दिया। अच्छा ओके। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझ के बोला यार मुझे ज्वाइन करना है। अच्छा, आगे होके आपने बोला? आगे होके मैंने बोला। हाँ। और बाद में क्या हो गया, जब मैंने ज्वाइन कर लिया तो जो प्लान देखने के लिए जिसने बुलाया था उसने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, कि हाँ, ओके। आपका तो ऑलरेडी काम हो रहा है। हाँ, हाँ। तो मेरी लाइफ में मैं ये बोलूं कि कोई दिखाने नहीं आया था, मैं खुद ही चला गया था। क्या बात है सर। और उसके बाद मैंने शुरुआत की। उस टाइम हम लोग मेरिट में थे, लोगों का एक सवाल होता है और उनका एक बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं नौकरी में रहते हुए यूपी के अंदर जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो मेरी हॉट लिस्ट में कोई नहीं था, मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मेरा मैं टोटल आपको बता चुका हूँ कि राजस्थान से हूँ। अनजान लोगों में काम किया। अच्छा। और अनजान लोगों में काम करते 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 सर लोग कई बार बोलते हैं कि हमारी लिस्ट खत्म हो गई, हम किसके पास जाएं, कैसे जाएं। जी जी। लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि हमने कहीं टेम्पो में अगर सफर करते थे तो जो पास में बैठा रहता था उससे बात करते थे। अच्छा। सब्जी लाने जाते थे तो सब्जी वाले से भी बात कर लेते थे। अच्छा। दूध लाने जाते थे तो दूध वाले से बात कर लेते थे। यानी कोई आदमी इंसान नाम का प्राणी कहीं दिख गया। हाँ। उससे हम इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते थे। अच्छा। और हुआ क्या कि कुछ समय के बाद एक अच्छी इनकम आने लग गई और बिलीव लेवल पहले दिन ही इतना मजबूत हो गया था कि हाँ एक आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। और मुझे सबसे अच्छी जो इस इंडस्ट्री में एक चीज लगी सर, वो एक चीज लगी कि हर जगह क्या होता है कि आप किसी बिजनेस को करो तो उसमें एक पैसे की जरूरत पड़ती है, अच्छे अमाउंट की जरूरत पड़ती है, साथ में बड़े रिस्क रहते हैं। हाँ। बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आज के टाइम में कंपटीशन का मार्केट है। कोई नया आदमी अगर बिजनेस को डेवलप करना चाहे तो शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां बहुत पैसा कमाती थी। हाँ। लेकिन एक कंपनी आई जियो नाम की और सबका बिजनेस चौपट कर दिया। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा। हाँ, जी। तो एक नया आदमी इस कंपटीशन के मार्केट में अपने आप को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। बहुत सही है। और रिस्क भी है। दूसरा, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, यहाँ पे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। एक ही चीज की लगी कि कोई भी आदमी सब काम को कर सकता है, बस लोगों से बातचीत करनी है। और ये बातचीत करते 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 एक दिन जब अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई थी और हमें लगा कि नौकरी से जितनी इनकम आ रही है उसके बराबर हमारी इनकम यहाँ से आने लगी, तो मैंने एक फैसला लिया कि आज के बाद मैं इस काम को फुल टाइम करूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छा दिखाई दिया, मैंने दोनों चीजों का कैलकुलेशन किया और हर इंसान को ये करना भी चाहिए कि आज जो वो काम कर रहा है उस काम को वो अगर 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल करेगा तो आज से आने वाले 30 साल बाद में वो कहाँ होगा। बहुत सही। और अगर इस काम को अगर वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल करेगा तो वो कहाँ होगा। अगर ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर किसी को समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी कोई भी इंसान अपने आराम से डिसीजन ले सकता है। और ये डिसीजन मैं इसीलिए ले पाया कि मैंने मेरी लाइफ का कैलकुलेशन कर पाया कि मैं दोनों जगह में क्या डिफरेंस है, और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में फिर उसके बाद फुल टाइम आ गया। बहुत बढ़िया सर। ये इस इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं सर, उनको जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहती है वो ये रहती है कि जब वो लोगों को देखते हैं कि वो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो हम लोग जानना चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री में आपकी एनुअल इनकम क्या है, कैसी गाड़ी आप मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मेरी एनुअल इनकम क्या है और आज कौन सी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था सर, उस टाइम भी हर आदमी को कहीं ना कहीं जाने के लिए एक साधन की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल सही है सर। तो मेरे पास भी साधन था, चार पहिया का नहीं था लेकिन दो पहिया का था। अच्छा। और मैंने मेरी लाइफ की जो शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, एक 400 रुपए में हम लोगों ने एक साइकिल खरीदी थी। अच्छा। और वो 400 रुपए में इसलिए मिल गई कि मेरे एक साथी था जो पोस्टिंग जा रहा था। अच्छा। और जब वो पोस्टिंग जा रहा था तो सस्ते में साइकिल देके चला गया। अच्छा। और वो साइकिल मैंने खरीद ली। क्या बात। और मुझे वो पल याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों के घर में जाते थे मैं साइकिल से, और कई बार जब चैन उतर जाती थी और हाथ जब काले हो जाते थे सर, और किसी को जाके बोलते थे कि हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप जिंदगी बदल सकते हो। हाँ। तो पहले तो हमारी तरफ देखता था, फिर हमारे काले हाथों की तरफ देखता था। अच्छा, क्या बात। कि जिसके हाथ काले हैं वो हमारी क्या जिंदगी बदलेगा। और सबसे ज्यादा जो मोटिवेट किया सर इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो किया
कि मैं नौकरी से बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम जब निकाल के जाते थे सर, और गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि कई बार जब पसीना आता है तो शर्ट के ऊपर पसीना जहाँ चलता है तो वाइट वाइट निशान हो जाता है। जी जी बिल्कुल। वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद आज कि ऐसा मेरी लाइफ में रहा है। अच्छा। और सर्दी के टाइम में जब साइकिल एक आदमी चलाता है तो शायद आप फील कर सकते हैं कि हाथ बड़े ठंडे हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। एक हाथ से साइकिल चलाते थे, दूसरा हाथ गर्म करते थे, एक हाथ से साइकिल चलाते थे इस तरह गर्म करके, और बाद में वो ऐसा लगता था, एक ही चीज बार बार मोटिवेट करती थी कि आखिर कब तक हम साइकिल पे घूमेंगे। जी। सिर्फ तब तक जब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा था कि मुझे प्लेटफॉर्म जो मिला उसमें वो ताकत थी कि उससे सब कुछ हो सकता है। अच्छा। और आज मैं वही बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी होती है, आज मैं कई बार इस बात को सोचता हूं कि मेरे पास जो गाड़ी है आज रियली हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है, उस गाड़ी का बहुत बड़ा ब्रांड है। जी। और मैं इस बिजनेस से आज के टाइम में जैगुआर कार मेंटेन करता हूं। अच्छा। जो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम भी नहीं होता, क्योंकि मेरा ड्रीम नहीं था जैगुआर में आना। हाँ। साइकिल वाला आदमी जैगुआर के बारे में सोचे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं जब कई बार जैगुआर में बैठता हूँ तो मुझे वो साइकिल वाला दिन याद आ जाते हैं। अच्छा। मतलब भूले नहीं आप उसको? नहीं, भूले नहीं। और शुरू में एक चीज जो आपने और महसूस की होगी और सभी लोग जो देख रहे हैं उनको भी साथ में लगता है कि कोई भी आदमी जब यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आता है तो उसको एकदम से इनकम नहीं आती है। हाँ जी, टाइम लगता है। हाँ। और कई कई बार ऐसा होता है कि हमें जो इनकम कम आती है और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब इस बिजनेस में आते हैं हम अपनी टीम के चार लोगों के साथ में, तो टीम के लोग खर्चा नहीं करते, हम लोग अपने पास से खर्चा करते हैं। हाँ। और ये करना भी चाहिए, आने जाने का एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जी जी। और मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊँ मेरे साथ सर हुआ, कि एक बार मुझे जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, शुरू शुरू की बात है सर, मुझे एक बार मेरे घर में फोन करता था राजस्थान में, तो मेरे पास उस दिन क्या है, हमारी सैलरी आने से दो तीन दिन पहले की बात है और पैसे नहीं थे। अच्छा। आप शायद आज मैं ये बात बोलूं तो आप यकीन ना करें और सुनने वाले जो लोग हैं वो भी यकीन ना करें। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने और मेरी वाइफ ने घर में कुछ पैसे रखे थे, मंदिर वगैरह में रख लेते हैं। हाँ, हाँ, तो इस तरह से टोटल 6 रुपए निकले। अच्छा। हाँ, उन 6 रुपए को लेके मैं STDPCO गया और घर पे फोन किया, और जब मैं घर पे फोन कर रहा हूँ तो बात तो कम कर रहा हूँ, पहले वहां प्लस रेट चलती थी। हाँ, दिखता था। हाँ, पहले 3.26 का आता था। हाँ, सेकंड प्लस रेट आती थी 4.52। क्या बात है। और तीसरी आई 5.78। जैसे ही 5.78 आई मैंने तुरंत फोन काट दिया। अच्छा। क्योंकि मैं 6 रुपए लेके गया था। हाँ। तो ऐसा वो दिन भी आया है लाइफ में कि उस टाइम चाहते तो कोई भी आदमी टूट सकता है और कोई भी आदमी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उस टाइम ना टूटे ना नेगेटिव हुए। मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। कुछ लोग उसी वक्त में डिसीजन अपना चेंज कर लेते हैं और कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ करके दिखाएं। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही इंसान जिसने कभी सोचा नहीं था करोड़ों के बारे में सर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मैं कुछ दिन पहले मेरी इनकम काउंट कर रहा था सर, जो मेरी टोटल इनकम आई है वह ये 2,55,60,000 रुपये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम है। सिर्फ एक साल की? सिर्फ एक साल की जो इनकम है वो 2,55,60,000 रुपये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम, मेरे अकाउंट मतलब TDS वगैरह कट के ऊपर। यस बिल्कुल। क्या बात है सर, ये सब योगदान है तो इस इंडस्ट्री का है। क्या बात है, आप बहुत बड़े एग्जांपल हैं सर, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए बड़ी प्रेरणा है, स्पेशली जो साइकिल पे चलते हैं, चैन उतर जाती है, और अगर यू नो बाइक या स्कूटर पे चल रहे हैं तो पेट्रोल के पैसे समटाइम नहीं होते, तो बहुत बहुत मोटिवेशन मिला सर। पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ मैं आपसे बातचीत करके और ये सब जान के। महिपाल जी, इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं आप जैसे कामयाब लोग हैं, तो कामयाब होने के लिए, आप जैसा एक एग्जांपल बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, कामयाब होने के लिए और एग्जांपल्स बनने के लिए सर, सबसे पहले इस इंडस्ट्री में दो अपवाद भी होता है। कुछ लोग आते हैं कामयाब होते हैं और कुछ लोग आने के बाद इस इंडस्ट्री को ब्लेम भी करते हैं। हाँ, यस। कि हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा पैसा लग गया, हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कहीं भी सक्सेस होने के लिए दो चीजें होती है, एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि आपकी जिंदगी में प्राथमिकताएं क्या है। बहुत खूब। अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं सेट कर ली जी, किसी भी कंडीशन में, और आपका विजन क्लियर हो गया कि आने वाले, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अपनी लाइफ को लेके कैलकुलेटिव कर लिया कि मेरा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं लाइफ में अगर यहाँ पे 10 साल 5 साल 15 साल अगर दिए तो लाइफ में मैं कहाँ रहूंगा। बहुत बढ़िया सर, ये चीजें आपको बार बार मोटिवेट करती है। दूसरा,
कभी भी ना नेगेटिव हो, उसके लिए कोई छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि लाइफ में सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस भी चीज के लिए हम यहाँ पे आए उसको फील करना अगर कोई आदमी सीख जाए कि मैं जब मेरे पास जगुआर नहीं थी तब भी मैं फील करता था कि मेरे पास जगुआर होगी तो वो दिन कैसा होगा। अच्छा, वो चीज जब मेरे पास लाखों रुपए की इनकम नहीं थी तब मैं फील करता था, जब करोड़पति नहीं था तब भी मैं फील करता था कि यार जो करोड़पति बन जाएंगे तो कितना मजा आएगा। अच्छा, जब हवाई जहाज में नहीं बैठा था तो मैं फील करता था कि एक दिन जो वो दिन आएगा कि जब हवाई जहाज में बैठेंगे कितना अच्छा लगेगा, विदेश यात्रा करने जाएंगे कितना अच्छा लगेगा। मतलब ये फीलिंग्स थी जिन्होंने कभी नेगेटिव नहीं होने दिया। तो एक आदमी आने वाले भविष्य के प्रति, चाहे आज वो चीज हमारे पास है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो फीलिंग्स उसके अंदर जिंदा है और वो फील करना सीख जाए कि जिस तरह से किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप ये सोचता है कि ये बच्चा बड़ा होने के बाद में हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं कि कई बार कई उन्हीं में से कुछ बच्चे गलत कामों में भी निकल जाते हैं। लेकिन कोई भी माँ बाप ये सोचे कि भैया हम तो बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे क्योंकि गलत काम करने लगे तो शायद ये सृष्टि चलना ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छे की फीलिंग की जाती है। और मैं बताऊं कि हर आदमी लाइफ में ये सोचे कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना है, मतलब जब वो काम कर रहा है तो वो ये सोचे कि भाई जब मैं इसमें सफल हो जाऊंगा दूसरे लोगों की तरह, तो उसको फील करता रहे ताकि उसको एक एक्साइटमेंट आता रहे। यस यस, फील करता है उसको। और बाकी जो भी लोग आज से पहले सक्सेस हैं उनको वो कॉपी करने की कोशिश करता है। अच्छा, और क्योंकि एक चीज तो देखी जाती है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हर आदमी की सक्सेस को देखते हैं लेकिन उसके स्ट्रगल को नहीं देखते हैं, क्योंकि स्ट्रगल हमेशा छुपा हुआ रहता है और सक्सेस हमेशा शो होती है। राइट, अब हर आदमी क्या जो शो होती है उस चीज को देखता है लेकिन स्ट्रगल को नहीं देख रहा है। अब वो ये जान जाए कि स्ट्रगल करके ही सक्सेस जाती है तो आदमी जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरा मान कहना ये कि किसी भी इंडस्ट्री में सर, या खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जी, यहाँ पे हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी कंडीशन में नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को मैं आपको बताऊं कि सक्सेस इसलिए भी नहीं होते कि लाइफ में हर चीज को समानांतर लेके चलना चाहते हैं। जी, कई लोगों को आपने देखा होगा कि काम कर रहे हैं उसके साथ में जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसके अलावा कभी उनके पास सामाजिक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो वो उसको भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने मतलब सबको बराबर टाइम दे रहे हैं तो कहीं भी बराबर हो नहीं सकता। मैंने कहीं किसी एक बुक में पढ़ा था कि सक्सेसफुल लोगों की कभी सोशल लाइफ नहीं होती। अच्छा, और सोशल लाइफ जिनकी होती है उनकी कभी सक्सेस लाइफ नहीं होती। अच्छा, लेकिन सोशल लाइफ के बाद सक्सेस लाइफ नहीं आती, लेकिन ये पक्का है कि सक्सेस लाइफ के बाद सोशल लाइफ पक्का आ जाती है। अच्छा, बहुत सही। तो शुरू में कुछ चीजों का त्याग सोशल करने के लिए, दान देने के लिए पैसा तो होना ही चाहिए। यस यस, बेटी भूखा होगा तो फिर दूसरे को क्या खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो मतलब इसको हम यूं समझे कि भाई अगर आपने सक्सेस होना है तो आप जो दूसरी चीजों पर आप टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम निकाल के आपको फोकस रह के इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उसको टॉप प्रायोरिटी पे रख के हमें काम करना चाहिए। yes. तो फिर सक्सेस मिल जाएगी। यस यस, चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। सर, इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में yes, तो यहाँ पे सेल है, सामान बेचना है या अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग सामने वाले को बताते हैं, तो सेलिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं है। जो इसको इसमें निपुण है उनके लिए बड़ा आसान है और जो इस फील्ड में नहीं आए या नए नए हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो मेरे पास में कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मैं सेल कर दूं या मेरे प्लान से लोग सहमत हो जाएं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सुरेंद्र जी, इसमें दो बात है सर। सबसे पहले आपने बताया कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या चाहिए जी, और दूसरा आपने बोला कि प्रोडक्ट को सेल करना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं कि प्रोडक्ट को सेल करना आसान नहीं है लेकिन प्रोडक्ट को सेल करना मुश्किल भी नहीं है। जी जी। अब इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमारा कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस तब आता है जब कोई भी इंसान अपना प्रोडक्ट यूज करता है। अच्छा, या अपनी फैमिली में या अपने जानने वालों में वो प्रोडक्ट यूज करवाता है। अच्छा, और जब उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं कि हाँ, सामने से लोग ये बोलते हैं कि एक तो अंदर से आवाज आती है कि प्रोडक्ट मैं जो बेच रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये लोगों के काम का प्रोडक्ट है, लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट है। राइट। अब दो चीजें होती हैं। कई बार क्या होता है कि आज मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा आपको कि हिंदुस्तान में आज भी सर बहुत अच्छे अच्छे अचीवर है, बहुत लोगों ने सक्सेस ली है, लेकिन फिर भी
इंडिया के अंदर एक नेटवर्कर को, एक डायरेक्ट सेलर को, एक समाज में वो इज्जत नहीं है जो अदर काम करने वाले हैं। जी जैसे आपने देखा होगा कोई भी माँ बाप अपने 10 लाख रुपए लगा के, 5 लाख रुपए लगा के अपने बेटे को चपरासी तो बनाना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर उसको ज्वाइन कराना नहीं चाहता। ज्वाइन करा के प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, ज्वाइन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वो इस चीज के प्रति आश्वस्त नहीं कि यहाँ भी करियर बन सकता है क्या। और उन्होंने अपने आसपास कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर समाज में लोग क्यों नहीं मानते, उसका एक कारण है कि आज तक हर इंसान ने अपने आसपास किसी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सक्सेस है। राइट। दूसरा, उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानते होंगे कि जो इस इंडस्ट्री में आए लेकिन आज कामयाब नहीं हुए, चाहे वजह कुछ भी रही हो। राइट। तो उसके पीछे एक चीज और होती है, अगर आपकी कंपनी का, हम जहां काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट सामने वाले की जरूरत का है, राइट, हमने उसको प्रोडक्ट को प्रमोट किया और उसके वो काम में आ गया। Right. अब कई लोग ये बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट महंगा होता है, सस्ता होता है। मैं इस चीज को भी थोड़ा सा आगे बढ़ के बताना चाहता हूँ सर। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कोई चीजें महंगी नहीं होती और कोई चीजें सस्ती नहीं होती है। जी, अगर आपने मुझे कोई चीज प्रमोट की पर मैंने वो ले ली, राइट, लेने के बाद उस चीज से मेरी जरूरत पूरी होगी, महंगी कितनी हो, फायदा हो गया, मेरे को फायदा होगा, मेरी जरूरत पूरी होगी, मेरी नीड पूरी होगी, तो वो चीज मेरे लिए सस्ती है। अगर सस्ती से सस्ती चीज आपने मुझे प्रमोट की और मैंने ले ली, लेकिन उसके बाद मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो मेरा ऐसा मानना सस्ती से सस्ती चीज भी महंगी हो जाती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आईफोन आज सबसे महंगा फोन आता है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आप सभी लोग सहमत होंगे आईफोन ही एक ऐसी कंपनी है जिसका मोबाइल जब लॉन्च होता है तो लोग एडवांस बुकिंग कराते हैं, और जिस दिन मोबाइल आता है लोग रात को 3 बजे 4 बजे टीवी चैनल पे हम देखते हैं लाइव, लाइन लगा के खरीदते हैं। महंगा है लेकिन कभी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये ऑब्जेक्शन उस दिन आ जाएगा कि जिस दिन आदमी पैसे देगा और उसकी वर्थ वसूल नहीं होगी। तो मेरा ऐसा उसको नहीं मिल रही। यस यस जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी कंपनी में जब हम प्रोडक्ट प्रमोट करें तो पहले प्रोडक्ट को यूज करें, उसके प्रति पूरी आश्वस्त हो जाएं कि मैं जो प्रोडक्ट प्रमोट करूंगा, क्योंकि ये सच है हर यूजर नेटवर्कर नहीं बनता है। राइट, बिल्कुल। जितने लोग हमारी इंडस्ट्री में हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, और शायद हमें हर व्यक्ति को नेटवर्कर बनाना भी नहीं, हो भी नहीं सकता जी। एक रेशियो है, वो काम हमेशा करता आया है, करता है और करता रहेगा। लेकिन मुझे अगर ये लगे कि मेरे सामने मैंने जिसको प्रोडक्ट दिया वो बिजनेस ना भी करे लेकिन उसके वो काम में आ गया तो उसके पैसे वसूल हो गए। अब मैं जब उस गली से निकलूंगा तो कभी वो मुझे ये नहीं बोलेगा यार तूने मुझे फंसा दिया, मेरा नुकसान कर दिया। तो आज जो समाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो इसलिए भी है कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट ना होने की वजह से लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आपको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अंदर का कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप किसी भी चीज को कॉन्फिडेंस के साथ प्रमोट करेंगे तो सामने वाला 50% आपके प्रोडक्ट से कन्विंस होता है और 50% आपके कॉन्फिडेंस, जो बात करने का तरीका है, उससे तैयार होता है। राइट। और यही चीज हम बताते हैं कि हम लोग आज हमारे भी जब प्रमोट करते हैं सब लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलते हैं, उनके अच्छे अच्छे व्यूज लेते हैं, और जिस चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और हमारे प्रोडक्ट से किस किस को क्या क्या फायदा हुआ, उनके बहुत सारी टेस्टिमोनियल, बहुत सारे वीडियोज हमारे पास रहते हैं, कलेक्शन रहता है, और जिस चीज से रिलेटेड होते हैं उनको हम शो करते हैं कि आप ही के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में थे और आज हमारे प्रोडक्ट से जहाँ लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख में ठीक नहीं हो पाए और लगाने के बाद वो आज हमारे प्रोडक्ट से 10,000 15,000 20,000 में भी डायरेक्ट सेलिंग में ठीक हो जाते हैं। तो ये अंदर का कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट प्रमोट कर पाते हैं। तो इसको हम कंक्लूड यूं करें कि सबसे पहला प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करना है। यस। ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके जो परिणाम मुझे मिले हैं वो मैं लोगों को बताऊं। यस। और जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम मिले हैं प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है उसको यूज करके, यस, स्पेशली वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसका एक प्रॉपर टेस्टिमोनियल बनाएं, एक फाइल तैयार करें और लोगों को बताएं कि भाई ये व्यक्ति वहां रहता है, ये इसका फोटो है, ये वीडियो है, इसको ये फायदा हुआ है। बिल्कुल। उसको हुआ तो शायद आपको भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो उससे जो है लोगों का विश्वास उस पर बनेगा। इससे रिलेटेड एक और चीज आती है सर निकल के, सर कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास या तो प्रोडक्ट होता ही नहीं, होता है तो वो नाम का प्रोडक्ट होता है, और वो ये कहती हैं कि भाई आप इतना पैसा दीजिए, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये दीजिए, और इसके बदले हम आपको इतने % इंटरेस्ट देंगे या हम एक साल में इतना पैसा दे देंगे।
तो क्या ये जो इस प्रकार की कंपनियां हैं ये सही कर रही हैं, ये जो हमारा जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके अनुसार सही हैं? क्या ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना वो बहुत अट्रैक्टिव अमाउंट दिखाते हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए सर, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और मुझे लगता है कि ये हम सबको ये जानना चाहिए, पता भी होना चाहिए, ताकि कई बार बोने वाले लोगों की गाड़ी कमाई लेके कोई फरार ना हो जाए। और आजकल ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ये सिर्फ बदनाम भी इसलिए हुई कि बहुत सारी कंपनियां आई जहाँ उल्टा सीधा लालच दिया लोगों को कि आप तो इतना पैसा लगाइए आपको ये मिलेगा, आपको सिर्फ एक बार लगाना है उसके बाद बिना कुछ करे मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर बिजनेस का एक नियम है, आप जो सेल करेंगे उसके बदले में आपको पैसा आता है, आपकी जो वॉल्यूम होगी उसके ऊपर आपका पैसा जनरेट होता है। और जहां भी कोई कंपनी सिर्फ आपसे ऐसा कमिटमेंट करती है कि आप ये पैसा लगाइए और हम आपको बिना कुछ करे इतने दिन में इतना पैसा दे सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सरासर एक इंसान के साथ धोखा होने वाला है। किस तरह से, जिस तरह से कोई दुकान वाला दुकान खोलता है, अब उस दुकान वाले ने दुकान खोली तो उसकी गारंटी नहीं है कि उसकी इतनी इनकम आएगी, लेकिन उसका ये जरूर है कि उसकी जितनी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग वो इनकम कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये चीज हर हिंदुस्तान के नागरिक को देखने की जरूरत है कि एक इंसान जितने भी पैसे कमाता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके कमाता है, और कहीं ऐसा ना हो कि लालच के चक्कर में अपनी खून पसीने की कमाई को गंवा बैठे और बाद में बदनाम हो जाती है, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है। तो ये चीज हर चीज आदमी को ध्यान रखने की जरूरत है। इस टाइप के कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है। आज मैं आपको बताऊं कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे दो तरह की बेल्ट के लोग काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस में काम करते हैं और कुछ लोग हैं जो जैसा आपने बताया इस टाइप की कंपनियों में भी काम करते हैं। अब जो इस टाइप की कंपनियों में जो काम करते हैं, मैं सीधी से भाषा में थोड़ा सा बात करूं तो ये वो लोग हैं जिनको बिना कुछ करे लालच की आदत पड़ गई। इन लोगों को जब कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है तो ये लोग कभी कर नहीं सकते, क्योंकि ये फ्री का कमाना चाहते हैं, ये एक जुआ खेलने की तरह हो गया। और ये लोग भी बड़े सातिर हैं, किसी भी कंपनी के अंदर इस टाइप का जब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता है या कोई भी इस टाइप के प्लान होते हैं, चिटफंड कंपनीज होती हैं, तो ये लोग पैसे बनाते हैं, निकल जाते हैं, फिर किसी नई कंपनी में जाते हैं, फिर पैसे बनाते हैं, फिर निकल जाते हैं, और नए लोग जो नीचे आते हैं वो लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि कम से कम जब आप किसी कंपनी का चुनाव करें तो ये बात तय करें और थोड़ा सी देर अपने आप से बात करें कि जो कंपनी जितना पैसा देने का कमिटमेंट कर रही है क्या ये दिया जाना पॉसिबल है। अगर आपके अंदर से आवाज आई कि हाँ पॉसिबल है तो शायद वो कंपनी चलेगी, वहां आपका बेहतर भविष्य बन सकता है, लेकिन अंदर से आवाज आई कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कंपनी दे रही है लेकिन अंदर से आवाज आ रही है कि पॉसिबल नहीं है, तो ये रियल है 100% कि वो वहां भविष्य बिल्कुल खत्म है, वहां सेफ नहीं है। लेकिन दुख की बात ये है, फिर भी कुछ लोग आज भी जैसा आपने बताया इस टाइप की कंपनियों में, लोगों को पता होता है कि ये कंपनी की लोग कोई लाइफ नहीं है, लंबे टाइम नहीं चलती, उसके बाद भी वो इसमें पैसा लगाते हैं। अच्छा, इसमें जिम्मेवार कौन है? इसमें जिम्मेवार दोनों ही तरह के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी भी जिम्मेवार है क्योंकि वो सिर्फ काम ही ये करने आई, जी, और जो हिंदुस्तान के वो लोग भी जिम्मेवार हैं जिनको पता होने के बाद भी, सब कुछ समझ में आने के बाद भी उस लालच का शिकार बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार है, जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी नौकरी में वैकेंसी 100 निकली और कोई भी आदमी रिश्वत ना दे तो भी ये कन्फर्म है कि 100 लोगों की भर्ती तो फिर भी होगी। हाँ, तय है। और 100 लोगों की वैकेंसी निकली और बहुत सारे लोगों ने रिश्वत दी, फिर भी मैं आपको बताऊं कि 100 लोगों की ही भर्ती होगी। हाँ, अगर हर आदमी ये सोच ले कि हम कभी रिश्वत नहीं देंगे तो भर्ती तो फिर भी 100 ही लोगों की होनी। वैसा ही है, लालच में आने वाले लोग नहीं होंगे तो कंपनियां नहीं चलेंगी, तो ये दोनों का एक मिला जुला रूप है। इससे हिंदुस्तान के हर इंसान को बच के रहने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि जो कंपनी आपके प्रोडक्ट की सेल पे पैसा दे रही है वहां पे आप अपना भविष्य लगा सकते हैं, और जहां बिना कुछ करे या बिना किसी प्रोडक्ट के आपका पैसा रोटेट कर रही है वहां आपका भविष्य अंधकार में, इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। राइट।
बहुत बढ़िया सर। इसमें जैसा महिपाल जी कह रहे हैं, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है। जितने भी हमारे देश में स्कैम होते हैं, उन स्कैम के पीछे जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल वहाँ पे देखा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग सारी कंपनियाँ स्कैम नहीं है, लेकिन जितने स्कैम हुए वो डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल को कहीं ना कहीं यूज़ करके हुए पेश किया हैं। गया। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। जैसा महिपाल जी ने कहा, अगर कोई कंपनी आपको ये कह रही कि भाई आपको जो बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा पैसा हम लोग दे देंगे, शेयर मार्केट में बोलते हैं कि एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग दे देंगे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा आखिर देंगे कहाँ से। हम में कहीं ना कहीं एक लालच रहता है कि फला व्यक्ति ने इतना लगाया था, इतना कमा लिया, फला ने इतना कमाया था, तो वो एक जो भेड़ चाल है उसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो उससे थोड़ा खुद भी समझने की ज़रूरत है, लोगों को भी आगाह करने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी हमारे पास में, तो आप वहाँ पर जाइए, वेबसाइट पर, कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं। आप देखिए कि वो इस प्रकार की कंपनियाँ उन पैरामीटर्स में कहीं दूर दूर तक खड़ी नहीं उतरती। और हमारा उद्देश्य महिपाल जी यही है कि हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को थोड़ा अवेयर करें, ज़्यादा ये चीज़ लोगों तक पहुँचाएँ कि देखिए इनका भविष्य तय है, उनकी लाइफ तय है कि कितने दिन तक वो चलने वाली है। बिल्कुल लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे जो इनोसेंट लोग हैं वो तब तक उस चीज़ को समझें, वो समय जा चुका होता है, अपनी गाड़ी कमाई वहाँ पे गवा चुके होते हैं। सो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक दिन हम लोग इसमें कामयाब बिल्कुल, होंगे। इस प्रयास में हमें कामयाबी मिलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया सर। महिपाल जी, अब तक जितने भी हमारे एपिसोड हुए हैं वो जनरली एक पार्ट में होते थे, लेकिन आपसे जो बातें हो रही हैं और जिस प्रकार का इंटरेस्ट आ रहा है बातचीत करने में, तो मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड को हमें दो एपिसोड में लेके जाना पड़ेगा। ग्रेट, तो आज का जो ये एपिसोड है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। महिपाल जी आज हमारे बीच में थे, पार्ट वन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पसंद आया होगा। जाने से पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें कि हर वीडियो आपके पास में सबसे पहले आए। इस एपिसोड को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। महिपाल सिंह जी के साथ में हमारी बातचीत जारी रहेगी। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे हम दोबारा फिर होंगे महिपाल सिंह जी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।